आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ रामलाल एंड सन्स की। रामलाल बड़ा मेहनती व्यक्ति था, साइकिल पे कपड़ा बेचता था, फिर धीरे धीरे करके कमाई हुई, उसने किराए पे दुकान ले ली, फिर किराए की दुकान से कमाई हुई, फिर अपनी दुकान ले ली, फिर रिटायरमेंट हुई, फिर सन्स आके बैठे। कहने का मतलब जिसने शुरुआत की उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद तो गले पे कोई भी आके बैठ जाता है। जैसे सिद्धू जी मान लो रामलाल, आपने तो उनके सन्स को भी नहीं आने दिया। तो कहने का मतलब यह था कि शुरुआत जो होती है, जो नींव पत्थर रखा जाता है, वो बड़ा मुश्किल होता है। जैसे इंडियन टेलीविजन पे हम अब तक हजारों डेली सोप देख चुके हैं, लेकिन पहली बार जिसने डेली सोप की शुरुआत की वो सीरियल था हम लोग। आप सबने देखा होगा, बड़े कमाल का और जबरदस्त हिट सीरियल था। तो आज उसी की स्टार कास्ट जो है वो हमारे बीच आने वाली है, तो लोग मेरे ख्याल से 35-36 साल बाद एक साथ इन सबको देखेंगे। तो चलिए आपको उसी माहौल में लेके चलते हैं। अरे आवाज नहीं आ रही पापा जी। नमस्कार, मैं हूं आपका दादा मुनि अशोक कुमार। अगर आप लोग हैं तैयार, साथ में बैठा है पूरा परिवार, तो किसका करना इंतजार। अरे छंद पकैया, छंद पकैया, छंद से हुआ। छंद पकैया, छंद पकैया, छंद से हुआ संजोग, सालों बाद आज फिर से देखेंगे हम लोग। पूरे भारत में जिसका छाया था सुरूर, हल्लू हल्लू, आ रहे हैं उसी शो से बड़की मंजली टोनी और लल्लू। सो प्लीज वेलकम सीमा पावा उर्फ बड़की, दिव्या सेठ उर्फ मजली, राजेश पुरी उर्फ लल्लू और मिस्टर मनोज पहवा उर्फ टोनी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मनोज जी, सीमा जी, दिव्या जी, राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू। अच्छा, सारी दुनिया को ये लग रहा था अर्चना जी कि हमारे देश में पहला टीवी सीरियल बना, उसकी स्टार कास्ट आ रही है, वो तो चलो आपसे बड़ी ही होगी, लेकिन उफ, ये भी आपसे छोटे निकले। हमारे दादा मुनि भी कुछ कह रहे थे आपके बारे में। क्या कह रहे थे आप? अर्चना जी, मैं आपके बारे में कहना चाहता हूँ, छंद पकैया, छंद पकैया, छंद पे छाई हंसी की गर्जना और सिद्धू की कुर्सी खा गई। हम लोग के साथी लोग आए हैं, तुम इनका इंटरव्यू लो, तब तक मैं काढ़ा पी के आता हूँ। सर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मैम, प्लीज विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां। आज इतना अच्छा लग रहा है आप सबको साथ में देख के, क्योंकि 35-36 साल हो गए आई थिंक हम लोग को। 36 years, wow, क्या बात है। अच्छा, हम लोग तो पहला टीवी सीरियल था अर्चना जी, तो आप लोगों को भी आई एम श्योर पता नहीं होगा कि ये क्या होने वाला है, कितने एपिसोड्स बनेंगे, तो फिर शुरुआत कैसे हुई, कास्टिंग कैसे हुई थी आप सब लोगों की? मैं तो गया ही नहीं था कास्टिंग में, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि ये सीरियल जो है हफ्ते में 2 एपिसोड बनेंगे और 500 रुपए पर एपिसोड मिलेगा, तो मुझे लगा ये तो स्कैम है। ये सारे झांसे देने के बाद ये मेरे से कोई फॉर्म भरवाएंगे और कहेंगे 500 रुपए एंट्री फीस दे दो। मैं तो कह बाद में जब शुरू हो गया और टेलीकास्ट हुआ पहला एपिसोड, तब मैंने कहा यार ये क्या कर दिया। फिर चुपचाप बैठ गए टीवी के सामने, देख रहे हैं काश होते इसके अंदर यार। तो बाद में मेरी एंट्री फिर इन्होंने करवाई सीमा जी। ये लोग सब दिल्ली से थे। अच्छा जी। मैं ऑलरेडी बॉम्बे आ गया था। अच्छा जी, आप वैसे कहां से राजेश जी? मैं हूं दिल्ली का ही। अच्छा जी। तो मैं आ गया था 81 में। ओके। और 84 में हम लोग आए। अरे वाह, 81 में आप आए थे बॉम्बे। मैं 81 में दुनिया में आया था। नहीं, तब तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे शो में आऊंगा? नहीं, तब ओ वाह। और मैम, आप तो पहले मनोज सर को जानती थी? पहले हम लोग एक साथ थिएटर करते थे एक्चुअली में। अच्छा जी। उस वक्त ये लड़का सा था। अब बिल्कुल, मतलब जब हम लोग में कास्टिंग हो रही थी और टोनी के लिए ढूंढा जा रहा था, तो
तो मैंने कहा रे यार एक लड़का है मेरे दिमाग में, उसको लेकर आती हूँ। और फिर मैंने ढूंढा मनोज को। टोनी का जो कैरेक्टर है वो मजली को भगाकर लेके जाता है। तो बेसिकली सीमा गॉट हर टू बी बो ऑन द शो तो भगाओ मी। मैं कहाँ था, मंजर थिएटर में था, प्ले कर रहा था ये और सीमा और नागपाल नागपाल वहाँ गाड़ी लेके आए और इन्होंने मेरी हालत देखी, कहेंगे ऐसे ले जाएंगे इसको दो तो रिजेक्ट होने वाला है। तो एक और एक्टर थे सुरेंद्र शर्मा जो जिनके साथ मैं प्ले कर रहा था जी, उनकी पैंट शर्ट उतरवाई अच्छा और मेरे जो कुर्ता और थैला था वो निकलवाया, उसके जूते पहनवाए, चप्पल मेरी उतारवाई गई और फिर मेरे को पॉलिश करके लेके गए कि भाई आइए ये है जी वो करेंगे। वाह क्या बात है, वैसे सही मलाई तो आपने खाई है। सीरियल में इनको भगा के ले गए, रियल लाइफ में उनसे शादी कर ली। किसी ने बोला नहीं कि कोई आपका ईमान धर्म है कि नहीं? अभी बता रहा था कि कनॉट प्लेस घूम रहा था मोटरसाइकिल में इनके साथ, अच्छा तो दो तीन लड़के खड़े थे, कह रहा टीवी पे जो है मजली को घुमा रहा है और वैसे बड़की को घुमा रहा है। और जब वो एपिसोड आए थे जब वो भाग के लेके जाता है उसको बॉम्बे और वापस आती है वो, तो मेरे पे पत्थर मार रहे थे लोग, पत्थर एक्चुअली। तो हम लोग गाड़ी में बैठ के स्टूडियो जाते थे गुड़गांव, तो हमारे डायरेक्टर ने बोला इसको बीच में बिठाना नहीं तो लोग पत्थर फिर से मारेंगे इसको। पर क्यों मारे कि भाग गई थी टोनी के साथ? भाग गई थी एक्चुअली, उस समय रिवाज नहीं था ना, भागना लॉन्च ही आपने किया था। तो फिर एक्चुअली लोग तो तब सीरियसली भी मान लेते थे ना, जैसे हम लोगों को लगता था कि मिथुन दा उल्टा जंप मार के दीवार पे चढ़ जाते हैं। यहाँ पे आके पता चला कि वो सारे सीरियस मानने की बात तो इंतहा ये थी कि क्योंकि उसमें मैं सोशल वर्कर बनी थी जी, और मैं हर एपिसोड में कहती हूँ कि देखो जिसको भी प्रॉब्लम है वो मेरे पास आ जाए। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक दिन मैं घर पहुंची और एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था, मुझे लगा पता नहीं किसी का होगा, और मेरी माँ, मैंने कहा क्या हो गया, बोली ये आई है औरत अपने बच्चे को लेकर यहाँ पर। अच्छा, मैंने कहा कौन है? कहिए मुझे क्या पता, तूने ही कुछ रात को बोला है वो आ गई। मैंने कहा मैंने कहाँ बोला है? तो फिर पता चला कि वो सीरियसली ले गई थी। और फिर ऐसे केसेस आते रहे आते रहे आते रहे, और इतने कि मुझे 3 साल सोशल वर्क करना पड़ा। वाह क्या बात है। की पॉपुलैरिटी तो इतनी थी कि मेरी शादी जब हुई है 8 दिसंबर को 1984। दिसंबर में क्यों शादी की आपने? ठंड होती है ना। 8 दिसंबर को जब शादी हुई तो पंडित ने फेरे वेरे होते हैं ना, 7 वचन होते हैं। हाँ, हाँ। तो 7 दिसंबर को मैं ऑलरेडी उषा रानी के साथ हम लोग में शादी करके आया था। अच्छा। और जब यहाँ 8 में पंडित ने कहा कि ये अभी इस लाइन को है, मैं कहा हाँ मुझे पता है, मैं सारी लाइनें मैंने मिटाली। कहीं कितनी शादियां करके आया, मैं कहा एक तो कल ही करके आया। पर राजेश जी जब आपको पहली बार बताया गया कि आपको लल्लू का करेक्टर करना है तो आपने डायरेक्टर से पूछा नहीं मैं लल्लू लगता हूँ? ये मेरी बीवी ने कहा था जब उसके बाद रिश्ता गया था, कहती मेरे लिए लल्लू ही बचा। लेकिन के कुमार वसुदेव साहब, हेड्स ऑफ टू हिम, उससे पहले मैं क्योंकि बॉम्बे आ गया था तो पृथ्वी थिएटर में बहुत सारे प्लेस कर रहा था दादरा जी के साथ। अच्छा जी। तो उनके इन इन्वर्टेड कॉमर्स बोले तू तो बड़ा हरफन वाला एक्टर है, मुझे कोई इंटेलिजेंट एक्टर चाहिए लल्लू का रोल करने के लिए। मैंने कहा ये क्या कॉम्बिनेशन है? कहते नहीं ये हम कुछ सीरियल शुरू कर रहे हैं। मैं कहा वो क्या होता है? कहते हफ्ते में 2 बार आया करेगा। मैं कहा फिर हफ्ते में 1 बार आएंगे 2 बार 1 हफ्ते में? बोले नहीं तुम लगातार चलोगे। मैं कहा ये कैसे, फिर लोग बोर नहीं हो जाएंगे? कहते नहीं। फिर उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उसके बाद मैंने 30 फिल्में 3 महीने में साइन कर ली थी। क्या बात है। अर्चना के साथ मेरी पहली पिक्चर, इनकी पहली पिक्चर जलवा। जलवा। अच्छा आपने भी अर्चना जी के साथ फिल्म की है? मैंने भी। कोई है ऐसा अर्चना जिनके साथ आपने काम नहीं किया? मैंने तो दादा मुनी के साथ भी फिल्म की है, मालूम है? मुझे कोई बता रहा था जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी एओ ह्यूम। वो और आप क्लासमेट ही थे शायद। अच्छा पर ये है कि मैंने जैसे पहले कहा कि टीवी में लोग जो देखते हैं वो सच मान लेते हैं, अब तो लोगों को पता है सोशल मीडिया है, एक्टर्स जो है अपने फैन के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो सर जब आप जाते थे कभी दुकान पे सामान लेने तो लोग बोलते नहीं थे कि लल्लू जी आपसे क्या पैसे लेने, आप तो पहले बेरोजगार हैं? सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुबई तक में हुआ ही। अच्छा। मॉल में गए हमारे पाकिस्तानी दोस्त, वो सबने बोला कि आप तो, अरे आप तो हमारे हैं, टैक्सी वाला, उसने किराया नहीं लिया। मैं काफी पैसे बचा सकता था लेकिन ईमानदार आदमी सबको पैसे दिए। सो स्वीट, कितनी अच्छी बात है। एक हमारी अर्चना जी हैं, फैन कोई सेल्फी ले ले तो उनको कहती हैं, वैसे तो मैं 2000 चार्ज करती हूँ लेकिन आज मैंने मेकअप नहीं किया तुम 1500 दे दो। अरे अर्चना मैं यार लॉकडाउन के टाइम पे आई सॉ योर बंगलो का
वीडियो. अच्छा. My God, you have such a big lawn and all. Yeah. सिद्धू जी का छोटा हो गया ना. वो इनका बड़ा. Waiting for that. Waiting for that. He just waits to borrow these punchlines. अरे हाँ वो तो अभी दिव्या जी कुछ बोल रही थी. वो तो हमारा शो बोलती रेगुलर देखती हूँ मैं. बोलती टीवी पे नहीं देखती. लेकिन क्या कुछ बता रही थी आप? कहते टीवी पे नहीं देखती, अर्चना के इंस्टाग्राम पे सारा दिख जाता है. और मुझे बोल भी रही थी, कहती कितनी देर का होता है आपका शो? मैंने कहा 1.5 घंटे. कहते अर्चना के इंस्टाग्राम पे तो 2-2 घंटे आता है. हाँ यहाँ से निकलती थोड़ा सा इंडियन आइडल भी दिखा देती है. Anyways, अच्छा मैम हमने ये सुना कि हम लोग जब बनाया गया था तो मेरे ख्याल से 13-14 एपिसोड बनने वाले थे, उसके बाद 156 एपिसोड बने. Is it true, ma'am? Actually, मैं तो initially हमें 52 एपिसोड की पहले से कहानी मालूम थी कि कहाँ तक ग्राफ जाने वाला है, क्या डेवलपमेंट है, किस कैरेक्टर को कहाँ तक ले जाया जाएगा. बड़ी कमाल की बात थी और इसका सारा क्रेडिट जो है मनोज श्याम जोशी जी को जाता है. क्या बात है. तो सर आपको भी स्क्रिप्ट में तो पता चली गया होगा ना, मैंने इनको लेके भागना है. तो साथ साथ में वो भी मैनेज कर रहे थे आप? नहीं तभी हम लोग साथ में थिएटर करते थे तो हम लोग प्यार मोहब्बत हुआ नहीं. तभी प्यार मोहब्बत नहीं, इसलिए मेरी इज्जत करते थे और मैं इनको काम दिलवाती थी. अरे बाप. तो इन्होंने आपको रिकमेंड किया था इसीलिए शादी करनी पड़ी. बॉन्डिंग बहुत थी हमारी आपस की. इतनी बॉन्डिंग थी मतलब हमने एक दूसरे को नाम से कभी बुलाया ही नहीं. सब मुझे लल्लू भैया बुलाते थे, ये मंजली, ये वो बड़की. यहाँ तक कि मेरी शादी में अगेन जब मिलनियाँ होती हैं मामे के मामे के साथ, चाचे के साथ, फादर की फादर के साथ, मेरी फादर की 2 मिलनियाँ हुई थी. अच्छा. मेरे असली फादर और बसेसर राम. ये बॉन्डिंग थी. अच्छा जब हम लोग आया उसी समय कलर टीवी हिंदुस्तान में आया था. जी जी. तो फिर जब आपने अपने आप को कलर टीवी में देखा कैसा लगा था राजेश जी आपको? मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं इतना अच्छा लगता हूँ. लेकिन हमारे पास भी ब्लैक एंड व्हाइट था भाई. अच्छा जी. है ना, तो यहाँ से कमाया तो फिर कलर टीवी खरीदा. अच्छा लेकिन जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आता था बिल्कुल ऐसा ही, उसको शटर लगा होता था. हाँ. तो कलर तो खैर महंगा होता था, तो हमने वो 25 रुपए की स्क्रीन आती थी सर. उसमें देखते थे ना, तो दादाजी अगर राइट खड़े होते तो लाल रंग के दिखते थे, लेफ्ट खड़े होते तो पीले रंग के दिखते थे. लल्लू को गुस्सा नहीं भी आया होता तो ऐसे ही लाल में लगता था. पर बड़े कमाल के दिन होते थे वो भी. अच्छा ये भी तो हमने सुना है कि उस समय जो है ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर ये सब नहीं होते, तो आप अपने कपड़े ज्वेलरी लेके जाते थे? अपने कपड़े लेकर जाते, अपने घर से लाने पड़ते थे साड़ियां. अरे मुझे याद है कि अब 4 साड़ियां थी बड़की के पास. एक तो वैसे भी गरीब दिखाए थे तो ज्यादा अच्छी साड़ियां तो हो नहीं सकती थी. 4 साड़ियां मेरी माँ के पास थी जो जॉयश्री अरोड़ा प्ले कर रही थी, भागवंती. अच्छा. और मैं, हम चारों इतनी बोर हो गई कि हमने कहा यार पलट पलट के भी तो पहन सकती है माँ बेटियां. तो मैंने जॉय की साड़ी पहननी शुरू कर दी. उसने मेरी तो एटलीस्ट चेंज मिला हमें कुछ, अदरवाइज तो अपने घर से ही लाना पड़ता था. हाँ मैंने भी अपने दोस्तों से ही कपड़े लिए थे, मेरे पास कपड़े नहीं थे. आपके पास तो वैसे भी नहीं थे ना? वैसे ही थे. तेरे पास कपड़े नहीं थे, मेरे पास बाल नहीं थे, भी खरीदनी पड़ी. और वैनिटी वैंस भी नहीं होती ना? अरे कुछ एक दो कमरों में एक पलंग है, हटना वहीं सो रहे हैं, हटना इधर सो रहे हैं. कौन खाना लाया उसका, उस शॉट हो रहा है तो उसका खाना पहले ही खत्म हो गया हम लोगों से. हिमाचल वालों पे सब इकट्ठे होंगे मंडी हाउस में, एक गाड़ी में सब भरेंगे और फिर उसके बाद वहाँ अपना. और उस समय एसी फ्लोर, 3 कैमरा सेटअप. वाओ. इट वाज वेरी रेवोल्यूशनरी. एक मजेदार किस्सा मैं सुनाऊंगी. हम लोग शुरू हो गया था, हमें तो मालूम नहीं था हम कितने फेमस हो जाएंगे या क्या हो जाएंगे. एक अब धीरे धीरे पता चलने लगा यार भीड़ हो रही है ना, ऑटोग्राफ देने पड़ते. ऑटोग्राफ देने आते नहीं थे एक्चुअली, सेल्फी वेल्फी तो होती नहीं कुछ थी. नहीं, और ऑटोग्राफ भी नहीं देने आते थे. लिखते क्या है, तो एक दूसरे की नकल मारते क्या लिखा. अच्छा बेस्ट विशेस, चलो लिख देते. तो एक बार हम पांचों थे और मंडी हाउस में रिहर्सल खत्म करके हम पान खाने गए और पांचों खड़े थे और हम अपनी बातें कर रहे हैं. एक आदमी बेचारा पान ले रहा था और पान लेते जैसे वो मुड़ा, वो एकदम बोला उसकी मतलब सांस धीरे धीरे ऐसे. हम पांचों डर गए कि कुछ हो ना जाए. उसको लगा 5 के 5 एक साथ साक्षात मेरे सामने खड़े हैं बेचारे की हालत. देख के उसने 5 उंगलियां डाली मुंह में. सोचो आप 6 होते तो 6ठी उंगली कहां. पर ये बात ऑटोग्राफ वाली बड़ी सही की. हमारा एक चंदू है शो में, उसको भी नहीं पता था ऑटोग्राफ क्या. तो उस दिन अर्चना जी को कोई ऑटोग्राफ ले रहा था तो वो उनका देखने लगा. इन्होंने लिखा अर्चना पूरन सिंह,
उसने अपने ऑटोग्राफ में भी अर्चना गुरु से लिख दिया। छोटे शहरों में जब जाऊँ ना तो बहुत प्यार ज्यादा उमड़ उमड़ के मिलता। मेरठ में नौचंदी मेला लगता है, अच्छा जी, वहाँ लल्लू नाइट टाइप कुछ हुआ था। हाँ, मेरी लल्लू नाइट वाइट थोड़ी बहुत होती रहती थी। वाह, हमने बचपन में रवीना टंडन नाइट सुनी थी। लल्लू नाइट, वाह। अच्छा, वहाँ डाकू आ गए। हैं? डाकू, डाकू। अच्छा। हुआ ये, मैं मेक शिफ्ट मेकअप रूम था, तो वहाँ मुझे बिठाया उन्होंने। सडनली कहते दरवाजे बंद करो, डाकू आ गए। मैं डाकू आ गए, वो डाकू घोड़े वाले नहीं, तो जीप वीप में उन्होंने रिवॉल्वर छुपा, घोड़े वाले नहीं। तो हाँ, तो उन्होंने मुझे बंद कर दिया, कहते जी आप छुप जाओ। मैं कहा, तो उन्होंने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया कि मिलना है लल्लू से, मिलना है। नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं, कहते तोड़ देंगे दरवाजा, खोल दो। मैं कहा खोल दो भाई, नहीं तो मार देंगे, क्या फायदा। दरवाजा खोला, वो आए और टच कर, ओए असली है, ओए लल्लू असली है। आके फोटो वोटो खींची उन्होंने, उसके बाद कहते हाँ जी अब आप कब तक हो यहाँ। मैं कहा मैं 2 घंटे हो, हम बाहर खड़े हैं, 2 घंटे तक आपको कोई कुछ कह दे हमको बता देना। अरे वाह, हम आपकी पहरेदारी में खड़े। तो आपने कहा नहीं आप हमारे फैन है, थोड़ा लूट का माल ही दे दो। वो अकेला भाई है ना। कपूर शर्मा ब्रो, एक चीज आज याद रखना, हम बहुत असमंजस में हैं, कोई ऐसी वैसी बात मत करना हमसे। क्यों? वरना 4 लोग क्या कहेंगे। चार ऐसा मुहावरा हमको कभी समझ में ही नहीं आया कि 4 लोग की चिंता क्यों है। बाकी कोई कुछ भी कहे, 4 लोग क्या कहेंगे। अरे फैसल बच्चा यादव, कपूर शर्मा जरा परिचय तो हो जाए। बच्चा आज हम लोग आए हैं। हम लोग तो रोज आते हैं ब्रो, इनसे परिचय करवाइए। कौन बताया तो ये हम लोग आए हैं। कपूर शर्मा अगर ये हम लोग हैं तो हम लोग कौन हैं? अरे ये हम लोग की टीम है। अच्छा ये हम लोग की टीम है। अरे आपने टीम कब ज्वाइन किया पता ही नहीं चला। आप लोग फिर यहाँ क्यों बैठे? चलिए कुछ काम कीजिए, चालू कीजिए, गेस्ट आते होंगे, आइए आइए आइए। ये हम लोग की टीम ही गेस्ट है आज। अच्छा आज हम लोग की टीम गेस्ट है। अरे तो ऐसा कहो ना यार, फिर बताना चाहिए था। बाकी की टीम का है, सबको बुलाओ, सबका इंटरव्यू लोगे ना, हम लोग की टीम में गेस्ट है। तुम हम लोग की टीम में हो? वाह। अर्चना जी, यही सुनना बाकी रह गया था, तुम हमारी टीम में हो, ये सवाल है इनका। आपके लिए क्या क्या नहीं किया कपूर शर्मा, हमने सर पे चोटी लगाई, मोटी बीवी से शादी की, 11 बच्चे पैदा किए, वो भी सब 1 साल के अंदर अंदर। और इस आदमी ने कितनी आसानी से कह दिया कि क्या तुम मेरी टीम का हिस्सा हो। बच्चा, वो जो दूरदर्शन पे सीरियल आता था हम लोग, वो ये वाली टीम है। अच्छा, हाँ, ये गेस्ट है हमारे आज। एक मिनट, हम ठीक से देखे ना, एक मिनट थोड़ा एंटीना घुमाएंगे। ये करेक्ट है यार। अरे सर आप लोगों को कौन नहीं जानता, और वैसे कपूर शर्मा हम भी जानते हैं यार सब कुछ, खाली आपका टेस्ट ले रहे थे कि आप अपना होमवर्क करके आए हैं कि नहीं आए। आपने अपना होमवर्क किया है, गुड, आई इम्प्रेस यू। हम आपको 10 में से 7 नंबर देते हैं, लेकिन 3 हैंडराइटिंग के कटेंगे। कौन सी राइटिंग? मैंने तो की नहीं राइटिंग। तो करो यार, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? आज हम लोग की टीम यहाँ पे इंटरव्यू देने आई है, कल हम लोग की टीम कहीं इंटरव्यू देने जाएंगी तब क्या करेंगे हम लोग? Come on, focus on the floor, bro. बच्चा तू चला जा, नहीं तो आय से अधिक फैट रखने के जुर्म में ना तेरा पेट तोड़ के जाएंगे। आजकल बहुत तोड़फोड़ हो रही है। सात नंबर में से 2 और कटते हैं ब्रो, 5 बचे हैं। अब यहाँ से जाते जाते इनको फेल ना कर दिया तो हमारा नाम बदल देना, फेल करके ही जाएंगे। बच्चा, हम लोग आए हैं, वो क्या सोचेंगे? अरे क्या सोचेंगे नहीं, देखेंगे क्या? आज हम लोग के सामने परफॉर्म करेंगे हम लोग, एंजॉय करेंगे हम लोग, पैसे कमाएंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है।
और बाहर जाके तारीफ करेंगे हम लोग नहीं ये लोग यार खुद की तारीफ करते हुए अच्छे लगते हैं क्या नहीं माना कि हम बहुत ज्यादा टैलेंटेड है बहुत हंसाते हैं लाखों कमाते हैं लेकिन मुंह से थोड़ी बोल सकते तो दुनिया के लेकिन सच बताएं आज आपको इतना ऐसा सामने से दर्शन हो रहे ना बड़ा अच्छा लग रहा है वरना आज तक सिर्फ दूरदर्शन ही हुए थे राजेश जी हम ऐसे खाली हाथ नहीं आए हैं आई गॉट गिफ्ट गिफ्ट लाए हैं आपके लिए ये सर दिस इज फॉर यू इट इज छोले ये क्या छोले साथ में कुलचे बुलचे पूरी तो दे ना ना वो उनके पास पहले से है यार राजेश पूरी दिव्या जी इसके 200 रुपए हुए वो क्यों देंगी भी 200 रुपए पैसे तो सेठ लोग ही देंगे यार दिव्या सेठ ही देंगी वो कौन देगा अरे सीमा जी जी बताइएगा आपके टाइम पे तो काफी आस पड़ोस के लड़के आपको घूरते होंगे नहीं क्यों कि सीमा देश की हो या पड़ोस की नजर गड़ाए लोग बैठे ही रहते हैं बात है भाई बात है ये काफी वजन वाली हमने बात की है बहुत वजन आदमी में वजन है तो बात भी वजन की निकलेगी तो मनोज जी लेकिन आपकी एक फिल्म आई थी हमको बहुत टेस्टी लगी अबे टेस्टी नहीं अच्छी होती है ना फिल्म का नाम ही आलू चाट है अब क्या कर रहे हैं यार टेस्टी लगेगी बच्चा उतरने क्या है यार हम लोग देखने आए हैं क्या हुआ ना क्या आप लोग का हम लोग जब आता था ना तब हम लोग देख नहीं पाते क्योंकि हम लोग के घर में टीवी नहीं था तो हम लोग देखने के लिए पड़ोस के घर पे जाते थे और जिन लोग के घर पे हम लोग देखने जाते थे वो लोग हम लोग को हम लोग देखने नहीं देते थे तो ऐसा चलते हम लोग का उन लोग से झगड़ा हो गया कि भाई तुम लोग हम लोग देखने क्यों नहीं दे रहे अब इस बात पे वो लोग हम लोग से कहते थे अबे चलना भाग यहाँ से नहीं कहते थे यही बात कहते थे ब्रो नहीं आप ही हमारे वो पड़ोसी तो नहीं है शर्म किया कर 11 बच्चे हैं तेरे को शर्म का हाथ मार ना वो तो क्या आप लोग का सीरियल देखते देखते हो गए नहीं देखते देखते हम लोग से इतने सारे लोग कब हुए हमको पता ही नहीं चला मनोज जी राजेश जी वो जमाना था एक जब संडे का दिन है मर जो है शरीर पे तेल लगा के धूप सेक रहे हैं और औरतें सारी शिकार पे निकली हैं किसके शिकार पे अरे जुओं के शिकार पे यार संडे के दिन और क्या होता था जुओं का शिकार होता था यार ये कॉन्सेप्ट सर आपको एक्सप्लेन करना है वही होता कैसी फीलिंग होती है जब खून निकालते हैं आपको समझाएंगे जरा सब बताएंगे आपको उस जमाने में औरतें जुओं का शिकार करती थी अब तो खैर औरतें मंत्रियों का भी कर लेती हैं लेकिन वो जमाना अच्छा था सर मजा आता था शो देखने में मजा आता था क्योंकि टेलीकास्ट टाइम पे होता था ना तो अभी भी तो टाइम पे होता है नहीं नहीं यार कुछ लोग टाइम से पहले इंस्टाग्राम नामक चीज पे दिखा देते चल रहा है भाई क्या कर रहे हैं चल रहा है आज शाम को मेरा भी उससे पहले आ जाएगा इतने टेलीकास्ट चल रहे हैं वैसे सर जाना है हमको लेकिन जाने से पहले एक जॉक्स का पिटारा है जो हम लेकर घूमते हैं एक जॉक पेश करते हैं थोड़े से फनी निकल आते हैं कभी कभी तो देख लीजिएगा थोड़ा तो एक बार क्या होता है एक पति पत्नी है पत्नी जो आके पति से कहती है कि हमारे को डॉक्टर ने कहा है कि अपना दिमाग अगर ठीक रखना है तो कहीं घूमने जाना पड़ेगा बाहर गांव तो हमें कहा है कि स्विट्जरलैंड जाओ या पेरिस जाओ तो बताइए कहां जाएं तो पति कहता है दूसरे डॉक्टर के पास जाओ दूसरे डॉक्टर के पास जाओ चलिए सर बड़ा मजा आया अभी चलते हैं थैंक यू वेरी मच यो ब्रो मुलाकात होएगा कपिल 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 यार एक रिक्वेस्ट है बीवी के साथ तो 40 साल से बैठ ही रहा हूँ यार हाँ जी थोड़ा समझ थोड़ा पोजीशन थोड़ा और पास आप सामने बैठते हो सर नो प्रॉब्लम थैंक यू यार ठीक है वेरी गुड मनोज थैंक यू अंकल जी मनोज
अभी जरा थोड़ा नजदीक हो गए ना थोड़ा. कोई बात नहीं, थैंक यू. इनके ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर की दूरी रखना है, स्पार्क हो जाता है नहीं तो यार शॉर्ट सर्किट. राजेश सर एक बात बताओ, ये लल्लू का कैरेक्टर इतना फेमस हो गया और हमने और भी बहुत जगह आपको हमेशा कॉमेडी करते देखा है, तो जब आप दूसरे रोल के लिए जाते थे कभी लोग आपको सीरियसली लेते थे? नहीं नहीं सीरियसली लेते थे, लेकिन सीरियसली कॉमेडियन के रोल के लिए लेते थे एक्चुअली. हाँ बड़ी बड़ी फिल्मों में, मतलब मुझे याद है एक फिल्म आई थी भगवान दादा राकेश रोशन जी की, उसमें तो नाम भी मेरा लल्लू पान भंडार रखा था. अच्छा राजेश खन्ना साहब की पिक्चर आई थी अलग अलग, उसमें भी चार्ली चैपलिन का मेरा गेटअप लिया था शक्ति दा ने, क्योंकि मैंने वो चैपलिन का ऐड किया था. वो मैंने वो ऐड अभी तक याद है. बहुत बढ़िया. हमें लगा कि वो, हमें एक्चुअली लगा था कि वो सच्ची में चार्ली चैपलिन है. ब्रिलियंट. सर आज हो रहा है थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा जो भी हमने बचपन में हमें लगा सच्ची में चार्ली चैपलिन आए, पता है. वाज सो गुड. क्या बात है, क्या बात है. वाह चैपलिन हैज टू थैंक यू. थैंक यू राजेश जी. थैंक यू बेटा. थैंक यू राजेश जी. थैंक यू सो मच. अच्छा सीमा मैम, हमने एक बात सुनी आपके बारे में कि आप जब भी कभी शूटिंग करने के लिए जाती हैं तो अपने को स्टार्स के लिए घर से खाना बना के लेके जाती हैं. नहीं मैं वहीं बताती हूँ. अच्छा मैं सेट पे बनाती. मुझे लगा था कि आप घर से लेके जाती. मैं कह यार कभी मनोज जी ने कहा नहीं होगा फिर कि तुम्हारे तक तो ठीक है, पूरे क्रू का मैं नहीं बना सकता. पर वो आप प्ले करती है ना मैम, एक वो जो साग मीट वाला जी, तो प्ले करते करते आपको तो पता ही होगा ना, इन्होंने तो कहा था मुझे. एक्चुअली मैं अपने दर्शकों को दोबारा बता देना चाहता हूँ, पहले भी मैम ने बताया था कि प्ले होता है ओपन में छत पे, और आपके सामने दर्शकों के सामने जितने भी दर्शक होते हैं अपने यार दोस्त के सामने, वहीं पे ही वो साग मीट बनाती हैं, और पूरा जब प्ले खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो साग मीट तैयार होता है. अर्चना ने कहा था मुझे भी प्ले देखना है, जब खत्म होगा तो मुझे बुलाना. कपिल मैं मीट खाती नहीं, मैं सिर्फ साग साग खा जाऊंगी. साग जो मटन जो नहीं खाते उनके लिए मैं पनीर डाल देती हूँ. फिर तो मैं जरूर देख कर खाऊंगी. हाँ प्ले देखने के बाद. पर देख लो भगवान के बनाए हुए लोग हैं, एक ये हैं सेट पे जाके खाना बनाती हैं, एक हमारी मैडम है सेट से घर लेके चली जाती है. ऊपर से प्रोडक्शन वालों को सलाह भी देती है सूखे करेले बनाया करो, स्वास्थ्य दिन खराब नहीं होता. ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है. मनोज सर आपको तो मैम ने अपनी एक फिल्म में भी डायरेक्ट किया है. जी जी जी. तो ये मतलब घर पे ज्यादा अच्छा डायरेक्ट करती हैं आपको कि फिल्म में डायरेक्ट करती हैं? फिल्म में डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल अलग किस्म का था. बहुत कोशिश की थी मैंने कि मैं बच जाऊं, लेकिन इन्होंने पकड़ के से ले लिया, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि जो एज एन एक्टर जितनी सीरियसली ये काम करती हैं और जब ये काम करवाएंगी जी तो वो गर्दन पकड़ के करवाएंगी. वही हुआ. आप तो भुक्त भोगी हैं. हाँ जी हाँ जी. देखो जो मैं घर पे नहीं डाल सकी मैंने सारा सेट पे डाल दिया. ठीक से करो ये नहीं कर रहे डाल और याद नहीं है. अच्छा ऊपर से टाइटल मेरे को बड़ा मजेदार लगा कि अपने पति को कास्ट करना, फिल्म का नाम है राम प्रसाद की 13वीं. मतलब आपके पति के फिल्मों को रोमांटिक नाम भी हो सकता था, पर ठीक है मतलब. अच्छा मैंने ना दिव्या जी का इंस्टाग्राम देखा, इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे जो अपना बायो उसमें लिखा हुआ है एक्टर एनिमल लवर एक्टर एनवायरमेंटलिस्ट एक्टर सिंगर एक्टर राइटर, तो ये सब इतने टैलेंट इसीलिए तो नहीं आपका जन्मदिन भी उसी दिन होता है जब श्री कपिल शर्मा जी जन्म लिया था उन्होंने? देखिए मेरी शादी भले हो चुकी है पर ये सब चीजों में परहेज ही करता हूँ भैया वगैरह से. ठीक है फ्रेंड्स जस्ट ये आप बेब्स. क्या बात है. आज हम लोग वाले आए हुए हैं, जोरदार तालियां. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका. मैम आने में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हुई?
आप मुझे फोन कर देते, मैं आपको पिक कर लेता। वो आए बंगलों से, तू आता जंगलों से, तू कैसे पिक कर लेता? जंगलों से क्या मतलब, मैं इधर पत्ते बांधकर आ गया कि मैं इधर जिंगा लाला हू हू करता आ गया। कपूर शर्मा मेरी बात सुनो, कितने भी बड़े बंगले हो, कितने भी बड़ी गाड़ियां हो, लेकिन दिल में जगह होनी चाहिए। और सबको पता है पुरी साहब कि चंदू के दिल में बहुत जगह है। दिल नहीं, इसके दिमाग में भी बड़ी जगह है सर। हाँ। यूज ही नहीं हुआ ना कभी। हाँ। सौ किलोमीटर भी नहीं चला। तो क्या करो, इधर मैं प्लॉट काट काट कर बेचूं फिर मैं। आई डोंट टॉक टू बनियान पीपल। एक बात बताओ सर जी, ये कहते हैं मेरा दिमाग में जगह नहीं है, जगह नहीं है, तो मैं क्या कर दूं फिर? मैं इधर मैं ट्रंप का पेट्रोल पंप कर दूं, मैं मैं क्या ओबामा का पजामा कर दूं, मैं करूं क्या? मैं कपूर शर्मा, ये देख लो 3 महीने बाद आया है। हाँ। अगर तब भी आता रहता 3 महीने में, हमारा दिमाग तो खाली कर देता कि नहीं ये बंदा। हाँ, हम मेरे बिना तो इधर सैटेलाइट लॉन्च कर दिया ना इन्होंने। कपूर शर्मा आज बिल्कुल नहीं तंग करना तूने मुझे, मेरे गुरुजी आए हैं। तेरे गुरुजी कौन मतलब? एक्टिंग के गुरुजी कपूर शर्मा। अच्छा, ये इन सब से मैंने एक्टिंग सीखी है। अच्छा, मनोज सर से मैंने डायलॉग डिलीवरी सीखी है। अच्छा, पूरी साहब से मैंने बॉडी लैंग्वेज सीखी है। अच्छा, सीमा मैम से तो मैंने नेचुरल एक्टिंग सीखी है। अच्छा, और अगर एक्सप्रेशन की बात हो तो मैम वो मैंने आपसे सीखे। कहने का मतलब कि 2 दर्जन गुरु लग गए, चेला ढंग का फिर भी नहीं बनाया। कपूर शर्मा मैं चेला हूँ, चाट पापड़ी नहीं, जो लोगों को पसंद आऊंगा मैं। पसंद नहीं आया, पसंद नहीं आया। कपूर शर्मा आज प्लीज मुझे रिस्पेक्ट दो, आज मेरी मम्मी जी आए। तेरी मम्मी कौन मतलब? सीमा मैम। अच्छा, कैसे? ओ, बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स की मम्मी बनती है, उस हिसाब से फिर मेरी भी मम्मी हुई हो। तेरे को तो तेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते। आपको पता है बच्चा जब होता है बच्चे को झूले देते ना ऐसे करके। ये जब हुआ नर्स कहती हूँ हो ये लो। सीरियसली आगे इसकी बुआ ने पकड़ा, कहती हो ऐसे इसके पिताजी की तरह, पिताजी कहते नो नो। That is called pampering. कपूर शर्मा प्लीज, और वैसे भी हमारे बचपन के किस्से सुनने नहीं आए यहाँ पे। किस्से मैंने सुनाए कहाँ अभी। आपको नॉर्मल बच्चों के लिए दाई रखते ना, इसके लिए बाई रखी थी। क्यों? घर वाले कहते कपड़े लत्ते ये सब हम धो लेंगे, इसको तुम धोया करो। कपूर शर्मा मेरी बात सुनो। ओ यार एक मिनट मेरी बात। वेरी गुड वन। अच्छा चलिए देख। कपूर शर्मा 80s के शो के सुपर हिट लोग आए हुए हैं, वो क्या सोचेंगे कि 2020 के सुपर हिट शो के लोग कैसी बातें कर रहे हैं? वो ये भी तो सोच सकते हैं कि ऐसे बंदों के होते हुए भी शो चल रहा है। कपूर शर्मा मेरी बात सुनो, जिसने चोंच दिया वो दाना भी देता है। चोंच दाना, सीधा सीधा बता ना, कौओं के साथ क्वारंटीन रह के आए। अच्छा आप तो कौओं की बात करो ही ना। सर ये कल कौओं को खुद सलाह दे रहे थे, कहते यार धूप में मत उड़ा करो पर काले हो जाएंगे। बताओ पहले वो हंसों के कजन है। तो तू जो कौओं को बोल रहा था, पता था ऐसे जमीन से उठा के मत खाया करो। कहता कुछ करो, पढ़ो लिखो, मोर बनो। मोर देखो कहता कहां पहुंच गए। क्यों झूठ बोल रहे यार? मैं फिर सच बताता हूँ, ये जिस दिन पैदा हुआ ना उस दिन और कोई पैदा हुआ ही नहीं। माँ बाप ने मना कर दिया, कहते हम अपने बच्चे का बर्थडे इसके साथ शेयर नहीं कर सकते। अच्छा मेरी बात सुनो यार, वो बर्थडे नहीं शेयर करते तो तुम्हारे केक की मोमबत्तियां क्यों जल रही हैं? सुनो सर, इन्हीं बातों की वजह से ना मैं बॉलीवुड में स्विच करना चाहता हूँ अपने आप। स्विच में उंगली दे तू। तेरे को करंट लगे, तेरे को पता चले तेरा बनता है तेरा तेरा फिल्मों में आना। तेरा तो शाम को घर नहीं आना बनता, तू फिल्मों में आने की बात कर रहा है। देखो टैलेंट के हिसाब से मेरा हॉलीवुड में बनता है। ओहो अच्छा, वो अलग बात है, मेरे को थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं वो। देखो मैम चलो जो भी हो, आप सच सच बताना नैनक से मैं आयुष्मान लग रहा हूँ कि लग रहा हूँ? ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल सवाल है। तुम मुझे भी इंडस्ट्री से निकलवाओगे क्या?
ये आपने सही कहा है, पता नहीं, नहीं। नैन नक्श तो इसके ऐसे हैं, जब ये पैदा हुआ ना तो बधाई मांगने वाले आए, तो जैसे वो जो नाचता है मेन आर्टिस्ट होता है उनका, उन्होंने जब देखा ना बच्चा, उसने सबसे पहले तो अपने घुंघरू तोड़े, फिर उसने बगल वाले की ढोलकी फाड़ी, एक दूसरे को पीटते हुए गए, कहते ये सब क्या है। आपको पता उनके साथ एक अम्मा भी आई थी बड़ी वाली सीनियर, वो आके कहती इनके दादा दादी को, कहती ये बच्चा गवर्नमेंट के दिखाओ, ये दिखा के सब्सिडी मिल सकती है। मैं बताता हूँ, जब ये पैदा हुआ बधाई मांगने वाले आए, उन्होंने इनसे बधाई नहीं ली, क्यों? उल्टा इनको हाथ से पैसे दे करके कहो हेलो जो जो बेड़ा करके इसको सब ठीक करवाओ जाके। और जब ये पैदा हुआ तो क्या यार, मैं पैदा हुआ, मैं पैदा हुआ, मैं पैदा हुआ। मेरे क्या लंगोट दो तेरे तुम। पैदा हुआ, पैदा हुआ। सर आपने इतना सुपर हिट शो दिया, आप सबने इतनी इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की, आज आपकी इंटरव्यू हो रही है, लेकिन सर मेरी भी एक दिन ऐसी इंटरव्यू होगी। तेरी इंटरोगेशन तो होगी, ये तो मुझे पता है। इंटरव्यू का तो पता नहीं। आपको पता है ये पहले तो एक ही चैनल होता था ना, ये जब से टीवी आया ना तभी से चैनल बदलने की ऑप्शन आई है। और सबको पता है कि चैनल किसने सबसे ज्यादा बदले हैं। तो अगर मैंने बदला था ये रह जाता उधर, किसी ने कहा था। और चैनल किसकी वजह से बदले ये भी मैं बताता हूँ आप लोगों को। सब तुम बता दोगे तो मैं क्या बताऊंगा, फिर मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में क्या लिखूंगा, फीस माफी की एप्लीकेशन। खैर मनोज सर जी, इसीलिए मैं ना अब डायरेक्ट फिल्में करना चाहता हूँ, वो भी 100-100 करोड़ रुपए वाली। कितने होते हैं बता, 100 में 0 कितने होते हैं, जो 100 करोड़ वाली। 100 करोड़ पता कितना होता है? कितना होता है बताओ ना। 100 करोड़। मनोज सर आप तो इंडस्ट्री में इतना काम किया है, आपको तो बड़ी अच्छी अच्छी गालियां आती, दे ना इसको। हम तो लिहाज कर रहे इसका। मेरी बात सुनो मनोज सर, क्यूट लोगों को गाली नहीं देते यार। क्यूट, तेरे से ज्यादा क्यूट पहाड़ी नेवला होता है। जब ये पैदा हुआ ना यार, जा। पैदा हुआ, मैं पैदा ही नहीं हुआ भाई, मैं पैदा ही नहीं हुआ। मेरा प्रिंट आउट निकला है, मैं नहीं पैदा हुआ। मैं पेन ड्राइव में आया था, मैं पैदा नहीं हुआ। मेरी फैक्स सही थी, मैं नहीं पैदा हूं, मैं जा रहा हूं यार। मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, उसका मैं जल प्रवाह करने के लिए जा रहा हूं। जा रहा हूं। और नहीं यार, मैं जा रहा हूं। चंदू के लिए फिल्मों में आना बड़ा मुश्किल है, उसे मुझसे मिलना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि कप्पू की पहली फिल्म भी मैंने लिखी थी, किस किस को प्यार करूं। ये हमारे शो के राइटर हैं। ये लाइनें इन्होंने खुद लिखी अपने लिए। आप जितनी बार मर्जी आ जाओ, पेमेंट आपको एक ही बार का मिलेगा। कितनी क्या आग लगी आपको एक्टिंग करने की? अरे बेटे मैंने सुना कि लॉकडाउन के बाद राइटिंग का बजट 25% कटा है और एक्टिंग का सिर्फ 10%। तो मैंने सोचा एक्टिंग कर लूं। आपको पता है ऐसी हरकतों की वजह से आपकी राइटिंग के पैसे भी गए समझो। कोई बात नहीं बेटा, जाने वाले को कौन रोक सकता है, जाने वाले की याद आती है। क्यों अर्चना जी, सिद्धू जी की याद आती है? लड़की मुकर गई। अरे छुटकी कहाँ है, छुटकी नहीं आई, और बसेश्वर भी नहीं आया, और भागवंती भी नहीं आई। अरे तो तुम फोन क्यों नहीं लगाते उनको? तुम फोन लगाओ जब तक मैं कॉकरोच मारता हूँ। पुराना टीवी बहुत कॉकरोच हो गए। बहुत काट रहे मुझे। तो दोस्तों आज जब हम इंडिया के पहले धारावाहिक हम लोग के इतिहास को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस मौके पे इस शो की बाकी अहम कास्ट जो है वो भी हमसे ऑनलाइन जुड़ रही है। सो प्लीज वेलकम सुषमा सेठ जी उर्फ दादी, जोरदार तालियां होनी चाहिए।
जयश्री अरोड़ा उर्फ बागवंती, लवलीन मिश्रा उर्फ छुटकी और अभिनव चतुर्वेदी जी उर्फ नन्ने, जोरदार तालियां। सुषमा जी नमस्कार, नमस्कार जयश्री जी, नमस्कार लवलीन जी, नमस्कार नन्ने जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है जी आप सबका। थैंक यू कपिल भाई। सुषमा जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। हाय मम्मा। सबसे पहले तो आप बड़ी प्यारी लग रही हैं और आपकी प्रोडक्शन भी बहुत कमाल की है। सुषमा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने हम लोग में अपनी ही बेटी की दादी का रोल किया, आपने कुछ डायरेक्टर को बोला नहीं भाई मुझे मम्मी का रोल करना है, या कि आपकी अपनी पसंद का था ये? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा था बहुत अच्छा हम लोग करने वाले हैं और इसके इतने सारे एपिसोड होंगे, पूरी कहानी है और उनके साथ पहले काम कर चुकी थी मैं। ऐसे तो पढ़ के जब मैंने देखा कि कितना प्यारा वो पात्र है, तो करना है तो सिर्फ यही करना। लिखा था मनोहर श्याम जी वाकई, और आपका किरदार भी बड़ा प्यारा था, मतलब सबके किरदार इतने रमे हुए थे कि हमें आज तक हमारे दिमाग में छपे हुए। जयश्री जी, अब आपसे मुखातिब होना चाहेंगे हम। जयश्री जी, जिस समय आपने मम्मी का रोल किया, मेरे ख्याल से 45-46 साल उम्र की माँ का रोल किया था उस समय आपने, 45 साल की उम्र का माँ। हाँ, तो लेकिन उस समय तो मेरे ख्याल से आप, मुझे लगता नहीं 22-23 से ज्यादा होंगी, बाकी सब लोग तो अपनी स्टारडम का पूरा मजे ले रहे थे, लेकिन जब आप अपने नॉर्मल लुक में निकलती थी बाहर, लोग आपको पहचानते थे कि ये वही है जो मम्मी का रोल करती है? नहीं जी नहीं, जब वो अवार्ड फंक्शन मुझे देने के लिए बुलाते थे फिर पूछते थे मुझसे कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, मैंने कहा थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा आपको। मैं बताऊं, शंकर मार्केट में मैं चिल्ड्रन वेरी वेरी स्मॉल, मैं थोड़ी सी शर्माई, मैंने कहा जी, फिर बोले वो जो हम लोग में जो माँ बनी है, आई वॉज वेरी हैप्पी, थैंक गॉड समबडी रिकॉग्नाइज मी। मैंने कहा जी, तो बोलते वो आपकी माता जी है क्या? तो काफी ऐसा होता रहा। बड़े इंटरेस्टिंग मजेदार किस्से हैं। अच्छा, ये आपके पीछे जो फोटो लगी हुई है 100 लिखा हुआ उसमें, वो क्या है? वो हमारे 100 एपिसोड का है। ओ, अच्छा, हम लोग की घड़ी की है। मैं बताऊं, पता नहीं कितने का ये घड़ी, कितने की थी वो, ये खराब ना हो जाए, मैंने इसके ऊपर इतने पैसे खर्च किए, बट द घड़ी शुड डू जयश्री जी, आपके घर में कौन कौन है? मेरे हस्बैंड ब्रिगेडियर अरोरा है और अच्छा। मेरी छुटकी सी बेटी, वो मैं सुषमा जी को बता रही थी, जो इतनी सी थी, 4 साल की थी, उसकी बेटा और बेटी दोनों हैं। अरे वाह, क्या बात है। Would like to see them, meet them. या प्लीज प्लीज। फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। अच्छा, फोटोग्राफ। Hello guys, come. इतनी बिल्कुल ऐसी थी। कम जा। All नॉन। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? किचन से बुलाइए उनको। अरे हम तो ये यार, सुषमा जी इज एवरीबॉडी इज देयर, राजेश इज देयर, he is ब्रिगेडियर अरोरा। हाय हाय सर, आज मैं याद है तुम्हारा हाथ देखा करते थे। सीमा, आज भी वही हाल है, सोच लो। अभी ना द लिटिल चिकी सन, एल्डर सन। हेलो बेटा, क्या बात है? हाय। एंड दैट इज चिकी, चिकी तो इतनी सी 4 साल की थी, चिकी इज डॉटर। मम्मी 4 साल की थी, बेटी कितने साल की होगी अभी? बेटी She's 11, wow. he's 15. Oh. जबकि बात हो रही इनकी मम्मी 4 साल की थी, My अब God. उनकी बेटी 11 साल की। God bless, क्या बात है। कपिल जी, हाँ जी मैम, डोंट, आपने तो कैलकुलेट कर ही लिया होगा, डोंट आस्क अ लेडी हर एज, इट्स बैड। नहीं 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 नहीं, मेरी क्या मजाल, मैंने अरोड़ा साहब का हाल देख लिया। हेलो। नहीं नहीं, कुछ नहीं बोला जी, नहीं मैं ऐसे बोल रहा था, आज शनिवार है। आगे चले थोड़ी देर के लिए, इनका माइक म्यूट करना जरा। पर जयश्री जी, आप बड़ी मजेदार बातें करती हैं और आप, मतलब आपकी एनर्जी देख के मजा आ गया एक्चुअली। थैंक यू। हमारे साथ नन्हे जो है अभिनव जी मौजूद हैं, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू। मैं आपको मिस किया बहुत, आप आईटा अवार्ड जब आपको मिला जी 2019 में इंदौर में, तो मैं आपके पास गया ऑटोग्राफ लेने के लिए, लेकिन पहुंच नहीं पाया। अरे सर, मैं अच्छा, और मुझे क्या कि उसके बाद मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, एसी भी हूँ,
सर हम भी आपके बहुत बड़े फैन हैं। आज हम लोग की पूरी कास्ट को एकत्रित किया है, तो आपको आपके क्रू को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने डिफिकल्ट टर्म्स में आपने इस शूटिंग को जारी रखा है, इसके लिए मैं आपको एक ऑस्कर से बड़ा अवार्ड दे रहा हूँ। तो वो ये है, वो ये है, डबल थ्री चेयर्स फॉर कपिल शर्मा। और आप लोगों बात जब बात कर रहे थे तो अर्चना जी बैठी है, उनके साथ मैंने दो फिल्में की हैं। अर्चना जी के साथ आपने फिल्में की हैं? मैं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ, मतलब कोई बंदा है पांडे तूनंदर ने फिल्म की अर्चना जी के साथ? पांडे जी ने की अर्चना जी के साथ, मैंने बास की गोविंदा जी के साथ, और फिर मैंने सौदागर की सुभाष जी के साथ, दोनों फिल्मों में अर्चना जी मेरे साथ। भाई साहब ऐसे ही बंगले नहीं बन गए, कहते ऐसे ही बंगले नहीं बन गए। आज है कोई आपके बंगले पे भी नजर रखने वाला। बड़ी बड़ी मजेदार किस्से अभिनव जी, बड़ा अच्छा लग रहा है और लोगों को आई एम श्योर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग के करोड़ों फैंस हैं इस समय। लवलीन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। लवलीन का मतलब क्या आता है? लवलीन जी सबसे पहले तो ये बताइए। एक घास जिसमें फूल निकलता है उसका नाम है लवल, जो पानी का जितना भी बहाव हो वो झुक जाती है लेकिन टूटती नहीं है, डटी रहती है। अरे लवली। अच्छा जी, भावना में वो जो लीन हो वो है लवली। अरे वाह वाह। अच्छा लवली जी, हम बचपन से सुनते आए ना कि जो घर में सबसे छोटा होता है उसको बड़ा प्यार मिलता है, वो फायदे बड़े उठाते हैं, तो आप ये जो हम लोग था उसमें सबसे छोटी आप थी चुटकी, तो आपने क्या फायदा उठाया फिर चुटकी होने का? मुझे याद नहीं मैंने कोई फायदा उठाया, पर मैंने बहुत मजे किए और मैं तो एकदम जिसको बोलते हूँ रॉ थी, मुझे कहाँ नुक्ता लगाना है कैसे बोलना है सब मैंने यहाँ सीखा है। जोशी जी आगे कहते हैं तुमने तू की जगह तुम बोल दिया था उधर, ऐसे मुझे हमें डिसिप्लिन सिखाया गया था, लाइनों का वजन, लाइनों की बात। और मेरे साथ कृष्णा जी हैज बीन माय गुरु, शी बीन माय फर्स्ट ड्रामा टीचर। उन्होंने कहा दूरदर्शन का एक नाटक होने वाला है जाओ, और आज भी मम्मी ने करी थी किया कि तुम आओ क्यों नहीं आ रही। ऐसी गुरु अगर किसी को मिले वो धन्य है। लवली वाओ क्या बात है। लवली। अच्छा घर में होता ना छोटे बच्चे से काम कराना तो चॉकलेट देके टाइम पास करवा लेते हैं हम लोग, तो आपको पेमेंट मिलती थी कि चॉकलेट दे देते थे आपको? पूरा पेमेंट लेते थे। और हम जो तीनों तीनों लड़कियां, हम कोई लड़की नहीं थी, हम तीन ततैया थे, सब हमसे डरते थे, तीन लोग चौड़े बन रहे सब डरते थे उस जमाने में। हमारी माँ देखती है वो तो पूरी छत्ता है, हम सारी ऐसी बातें बोलूं मैं जो अच्छा खाना बनाती हूँ वो तो बोलो। हमारी हड्डियों की मजबूती आपके स्वभावों से है। जॉय के बारे में बोलना चाहूंगी, हम लोग जस्ट एक फ्रेंड की तरह थे सेट पे, भले वो मेरी माँ का रोल कर रही थी, एज ज्यादा ही है उनकी मुझसे, ऐसा नहीं कि हम बराबर की उम्र के हैं, तो वो माँ का रोल कर रही थी और वो काफी भावुक सी एक्ट्रेस हैं। अच्छा जी। तो अब जैसा कि दिव्या ने बताया कि थ्री कैमरा सेटअप था, तो कभी ये कैमरा ऑन है कभी ये कैमरा ऑन है, तो ये हमेशा एक्टिंग करना चाहती थी, इनका बहुत दिल करता था एक्टिंग करने का। तो एक बार कैमरा ऑन था और ये एक्टिंग शुरू हुई और वो कैमरा चला गया और मैंने देख लिया, अब हमें जरूरत नहीं है क्योंकि कैमरा हमें देख ही नहीं रहा, ये मेरा हाथ पकड़ के निचोड़े जाती है, अरे पड़की। और मैंने कहा माँ चला गया कैमरा प्लीज। पर क्या एनर्जी जयश्री जी, मुझे तो डर है आप वहां से निकल के पांडे के ऊपर ना गिर जाए। सुषमा जी एक बात बताइए, जब हम लोग में आप लोग काम कर रहे थे तो दिव्या आपकी बेटी भी आपके साथ थी, तो आपको अपनी लाइनों की ज्यादा टेंशन होती थी मैं याद कर लूं, कि या ये होता था कि यार मेरी बेटी पहले याद कर ले, मैं तो हूँ ही अच्छी एक्टर, मतलब पहले बच्ची नई नई आई है? नहीं, सारे रास्ते हम लोग लाइन करते हुए जाते थे, दिल्ली से हरियाणा तक जाते थे। अच्छा, और फिर वहां पे बैठ के भी लाइन रिहर्सल करते रहते थे, जैसे ड्रामे में नाटक में होता है ना, पूरा पूरा सीन एक बार में शूट करता। वाओ क्या बात है। सबको अपनी लाइनें याद करनी होती थी तो सब लोग कर ही लेते थे। वाह यार बड़ा कमाल का काम किया एक्चुअली, कि मतलब बिना रीटेक लिए हुए थ्री कैमरा सेटअप
आज से 35-36 साल पहले. बिल्कुल. अभिनव गॉट हिज फिंगर अप. अभिनव जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे. जी आपको सबको एक बात बताना चाह रहा हूँ. मेरे हाथ में किताब है जी, जो आपकी कास्ट के पास जो सब लोग हम लोग की कास्ट बैठी है, एक भारतीय मूल के नागरिक डॉक्टर अरविंद सिंघल ने हम लोग पे PhD की है. वाह वाह क्या बात. फ्रॉम अमेरिका. एंड आई एम होल्डिंग दिस बुक एंड इट्स गॉट अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑन हम लोग. और इसके अंदर जयश्री अरविंद जी की पिक्चर है बड़ी कमाल की. अच्छा. और वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इनके ओरिजिनल गेटअप में ये कहानी, दिस इज ये जो PhD है हम लोग के ऊपर, इसके ऊपर चैप्टर है पूरा का पूरा. और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हर मास कम्युनिकेशन सेंटर में उसके सिलेबस में है. ये है जोशी अरोड़ा जी. वाह क्या बात. वाह. तो बस आपको ये दिखाना चाह रहा था कि आपके साथ जो लोग बैठे हैं, मैं खुद धन्य हूं कि इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला. हम लोग सब स्टूडेंट्स थे और सुषमा जी और विनोद जी, जयंती, सब लोग बहुत सीनियर्स थे. हम लोग बिल्कुल रॉ थे. हम लोग को टेलीविजन का कोई नॉलेज उतनी ज्यादा नहीं थी. सो दोनों जन यहाँ नहीं है, विनोद अंकल नहीं है और हमारे जो दादाजी थे लहरी जी, वो हमारे बीच नहीं है. उनके बगैर हम लोग का जो हमारा परिवार था वो इनकम्प्लीट था. लहरी जी जो हमारे दादाजी थे, ही वॉज दैट पार्ट, ही वॉज लाइक दैट. एंड जब तक शो खत्म हुआ वो हम लोगों से इतना प्यार करते थे, इतना आशीर्वाद देते थे. आई गॉट गूज बम्स जस्ट सेइंग इट. मेरी बेटी, मेरी बच्ची जाएगी, मेरी बच्ची इतना अच्छा काम करेगी. ही वॉज सच अ वंडरफुल मैन. एंड विनोद अंकल, ही वॉज सच अ रॉक स्टार ऑफ अ मैन. उनका उस समय रेस्टोरेंट होता था, सबके लिए वहां से सैंडविचेज आते थे फॉर द ड्राइव. ही वॉज अ वेरी वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस फैमिली. लहरी सिंह जी, पी कुमार वासुदेव साहब एंड विनोद श्याम जोशी जी, ये तीनों हमारे बीच में नहीं है अभी, लेकिन इसका क्रेडिट सबसे ज्यादा पी कुमार वासुदेव साहब और विनोद श्याम जोशी जी को जाता है. इसकी सक्सेस. कपिल, कैन आई से समथिंग? जी जी प्लीज. आज की तारीख में हजारों सीरियल बन चुके हैं जी, लेकिन चलो पहला था वो तो है ही उसकी महानता. बट एक साहित्यकार, एक जर्नलिस्ट जिसको वर्ल्ड अफेयर्स, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, एजुकेशन, जो कुछ हो रहा है दुनिया में, मनोज श्याम जोशी हैज एन ओपिनियन एंड ही वाज एन इंटरनेशनली रेप्यूटेड राइटर. ऐसे इंसान ने हमारे लिए डायलॉग लिखे. आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग. क्या बात है यार. मैं कुछ कह सकती हूँ कपिल जी? आप कहिए जी, आपको कोई रोक सकता है? रोक सके तो रोक लो. जब हम नौ जन, हमारी नौ की फैमिली थी एंड कविता नागपाल वो संतोताई का रोल प्ले कर रही थी, विनोद जी की वाइफ. अच्छा, वो कहती थी तुम लोगों का जो इतनी बॉन्डिंग है हमारे सेट पे, जब घर पे आती थी जो हमारा सेट बना हुआ था, शी यूज्ड टू से कि मुझे लगता है कि मैं आउटसाइडर हूँ. सो मच ऑफ बॉन्डिंग वी हैड. लेकिन जब मेरी शादी हुई है, व्हेन अंजू केम इनटू माय लाइफ, माय वाइफ, उसी दौरान शादी हुई थी. बिल्कुल बिल्कुल. वो हर शूटिंग भी वो मेरे साथ आती थी. एंड शी वाज लाइक अ फैमिली टू मी. क्यों आती थी? उनको शक था आप पे. मेरा इश्क हुआ ही नहीं, सीधा शादी हो गई थी उषा रानी के. पर जैसे आप किससे सुना रही हैं जयश्री मैम और अभिनव सर, वो ऑनेस्टी जो आपके काम में थी वो दिखती भी थी, इसीलिए आज तक लोग जो हैं उनके दिमाग में हम लोग जो है वो बसा हुआ है. अरे सीमा ने एक बार कहा था, सीमा को एक थप्पड़ का सीन था और मैं ऐसे ऐसे कर रही थी, जोर से मारे, याद है सीमा रोने वाला कि तुम, मैंने कहा सीमा हाउ कैन आई हिट यू, नहीं मैं ऐसे ही करूंगी, ऐसे नहीं करेंगी आप, जोर से मारिए. और मैंने मारा और इतने आंसू निकल गए, वो तो फर्स्ट कट हो गया तो भी हम एक दूसरे से चिपक के रो रहे थे. और आपकी दी हुई ट्रेनिंग, मनोज जी आज तक परेशान है. अच्छा सुषमा जी, हमने एक और बात सुनी है कि हम लोग में जो दादी का किरदार था वो पहले लास्ट तक नहीं जाने वाला था. उसमें कुछ और लिखा गया था कि दादी जो है उसको कैंसर हो जाती है, फिर वो दादी की डेथ हो जाती है. लेकिन जब पब्लिक को पता चला कि ऐसे दादी का किरदार जो है उसके साथ ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने बड़ी सारी चिट्ठियां लिखी कि नहीं दादी रहनी चाहिए लास्ट तक. तो ये बात सच है सुषमा जी? बात सच है, क्योंकि कैंसर हो जाता है और बीमार पड़ जाती है और उन्होंने कहा कि दो तीन एपिसोड के बाद रहेगी, उनके पास बहुत सारी चिट्ठियां आई कि दादी को भी मरना मत दो. लास्ट एपिसोड में जाके उन्होंने
लोग वाकई कितना जुड़ जाते हैं, बहुत रोए, किरदारों से जुड़ जाते हैं। जैसे हमने एक दो बार सिद्धू जी का नाम ले लेते ना जैसे ही तो दस चिट्ठियां अरे यार कोई मौका नहीं छोड़ दे हो ना, दस चिट्ठियां आ जाती, दस चिट्ठियां आ जाती हैं कि अरे अर्चना जी जो भी चलाकियां की छोड़ो, बट हंसती हुई बड़ी प्यारी लगती है प्लीज। ऐसा एक बार तो हमारे किसी बंदे ने देखा, कंबल ओढ़ के खुद ही चिट्ठी डाल के जाती है। अच्छा आज सारी कास्ट मौजूद है, तो कुछ आपके फैंस के सवाल हैं जो हमने उनको बताया कि हम लोग की पूरी टीम आ रही है, तो उन्होंने कुछ सवाल भेजे हैं जो आप लोगों में से जो चाहे उसका जवाब दे सकता है। वो सवाल कहाँ गए? हाँ, ये वो ये पूछना चाहते हैं कि उस समय वैनिटी वैन तो होती नहीं थी, ना ही कोई स्टाइलिस्ट होता था, सबको खुद ही रेडी होना होता था, तो तैयार होने में सबसे ज्यादा समय कौन लगाता था? गुलाबी कपड़ों वाली। देखिए इन माय डिफेंस, उसका नाम था रूपवंती और रूपवंती बनने में बहुत समय लगता था मुझे। राजेश जी आपको कितना टाइम लगता था तैयार होने, मेरे को जानना है। मुझे बिल्कुल टाइम लगता, सिर्फ टाइम लगता वीक लगाने में। अच्छा अच्छा सबसे ज्यादा शैतान कौन था सेट पे, मस्तीखोर कौन था? वो लड़की, वो छोटे बाल वाली लड़की, ये जो ये छुटकी लवलीन, शरारती थी, सभी थे एक्चुअली शरारती, सभी थे। पर आज तो एकदम से जैसे पता नहीं भगवान का नाम ले लिया, कुछ ज्यादा ही नहीं, 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 वो सब दिखावा है, बहुत शरारती है, आज भी शरारती है वो, अगर सेट पे आती तो हम में से कोई नहीं बोल पाता। क्या कहना चाहती हैं आप अपने पक्ष में? ये साजिश है जो स्टूडियो में है उनकी, धाक है भैया कपिल जमा। तो ये भी जानना चाहते हैं लोग कि ज्यादा खाना कौन खाता था? विनोद जी, विनोद अंकल, विनोद अंकल, उनको सारे वक्त भूख लगती थी। हाँ, सबसे ज्यादा बहानेबाजी कौन करता था? बहानेबाजी वो कर सकता है एक शख्स जो जैकेट में बैठा है, बाकी तो हम लोग बहुत सीरियस लोग हैं। सभी कोऑपरेटिव थे यार, बहानेबाजी नहीं। अरे सेट पे गप्पे लड़ाने की आदत किसकी थी ज्यादा? सबकी सबकी, फैमिली बॉन्डिंग दिखती थी। यस एवरीबॉडी। सबसे ज्यादा कंजूस कौन था सेट पे? पैसे नहीं मिलते थे, कंजूसी कैसे पता चले? पर ये जो प्यार मिला है सर आज तक लोगों के दिलों में बरकरार है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई इस खूबसूरत सीरियल के लिए। आपका सीरियल जब शुरू हुआ मैं 3 साल का था। ओह माय गॉड, आपने तब सोचा था ये 3 साल का बच्चा एक दिन हमारी इंटरव्यू लेगा? ओके एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सुषमा जी, अभिनव जी, लवलीन जी, जयश्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ने के लिए, और बस खुश रहिए आप, आपने बहुत एंटरटेन किया है पूरे हिंदुस्तान को, जहां जहां हिंदी देखने वाले लोग हैं सब आपको जानते हैं, आपके फैंस हैं। सो एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ ऑनलाइन आए, और सुषमा जी आप वाकई में बहुत प्यारी लग रही हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया, लव यू, बाय बाय। बड़ा मजा आया यार, क्या बात है, क्या बात है, वाह, जोरदार तालियां सपना के लिए। आज 2 साल हो गए हमारे शो को, आज पहली बार बिना नाचे आई है। उसका भी कारण है क्योंकि इनके शो में कोई आइटम सॉन्ग नहीं था, नहीं तो आती नहीं। आज बड़े चाय समोसे लेके आई है। वो लड़के वाले एलेना है इसलिए इनको इज्जत दे रही थी। वेरी नाइस समोसे, वेरी गुड। आई एम ऑन अ डाइट। डाइट यू प्लीज, आप तो ले सकते हैं। थैंक यू, थोड़ा मैम, वेरी नाइस। सपना, ये लड़के वाले नहीं है। हाँ, ये हम लोग। हम लोग? हाँ, नहीं मेरे को तो फोन आया था कि हम लोग आ रहे, तो मैं इधर तैयार होके आ गई। आप दोनों में से लड़का कौन है? शो का नाम है हम लोग। अच्छा, हाँ, तो अभी कोई भी समोसा खाए ना, पर समोसा 50 रुपए लेगी मैं।
मेहमानों से पैसे मांगती है, शर्म नहीं आती तुझे? हाँ तो हम लोग के गेस्ट थोड़ी है, तुम लोग के हम लोग है ना। आ, नहीं वैसे तो हम लोग के हम लोग है, लेकिन हम लोग के हम लोग नहीं, तुम लोग कन्फ्यूजन बोलते हैं इधर कौन है। कपूर तेरे को मालूम है ऐसे फ्री में मैं समोसा खिलाती रही ना तो हलवाई के साथ मेरे को फंसना पड़ेगा। क्यों? अरे क्योंकि मैं पैसे देकर समोसा नहीं लेती ना। अच्छा। मैं आंख मार के समोसा लेती हूँ। तो मेरे को तो समोसा अच्छा लगता है, उसको भी तो कुछ ना कुछ अच्छा लगता होगा। मेरे को पैसा देना, मेरे को उससे बहुत घबराहट होती है। वेरी नाइस यू, वेरी स्वीट है ना। थैंक यू, यू नो स्वीट। मेरे को ना सर अभी पीछे मिले थे, मेरे को बोलते सपना आज तू बहुत कौली लग रही है। वेरी बैड। अब तो आप चाहकर भी मेरी तारीफ नहीं कर सकते। अरे जिसकी बीबी बगल में बैठी होगी वो किसी और लड़की की तारीफ कैसे करेगा रे। वैसे राजेश जी आपका हेयर स्टाइल देख के लगता है कि आपने अपनी बीवी के सामने बहुत लड़कियों की तारीफ की होगी। वैसे सच्ची में एक बार पूरी साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं सच्ची बोलती है, मैं बचपन से आपकी बहुत बड़ी फैन है। ये नहीं कि आप सामने बैठे इसलिए बोल रही, इंडस्ट्री के पहले ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका आज तक कोई भी बाल बांका नहीं कर पाया। तेरे को पता है कप्पू, फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग कर करके इन्होंने बहुत बड़ा बंगला बनाया है। अच्छा? माँ काली में जोर जोर ताली हो जाए। हाँ, लेकिन इनका और भी बहुत सारा बिजनेस फैला है पूरी साहब का बॉम्बे में। कौन सा बिजनेस? सेवपूरी, भेलपूरी, पानीपूरी। अरे 10-10 करोड़ की गाड़ी में घूमने वाली लड़कियाँ इनके सामने हाथ फैला के खड़ी हो जाती है। साहब एक पूरी दो ना। अच्छा सपना, क्या फालतू की बातें कर रही है तू? फालतू की बात नहीं कर रही रे कप्पू, मजाक कर रही है। गेस्ट लोग आते हैं उनको एंटरटेनमेंट लगता है ना। इसीलिए बोली एक बार जोरदार ताली हो जाए। वैसे मनोज जी आप अपनी वाइफ के साथ आई लिए ना, तो आपको बता दूं कि अर्चना जी इज मैरिड है। उनको क्यों बता रही है? तो अपनी वाइफ के साथ नहीं आए ना, कहीं धोखे में ना रहे कहीं। नहीं तो अब मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा अगर मैं कुछ कर भी लूंगा तो। वैसे दिव्या जी आपको बता दूं, परमीत जी इज ऑल्सो मैरिड है। उनको क्यों बता रही हो? वैसे मैं आपको बता दूं, आई वाज परमीत्स फर्स्ट हीरोइन। हाँ आई नो, आई नो, बट ही इज अवेलेबल व्हेन एवर शी इज शूटिंग। In a very big bungalow, a very big car. अरे उन्होंने मेरे को ही बोला था आपको ये बताने के लिए, क्योंकि सेठी लोग को सेठ लोग बहुत पसंद आते हैं। देखा कप्पू, मैंने सबका कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर दिया। क्या एडजस्टमेंट कर दिया तुमने? ये सब लोग एक साथ काम करते हैं इसलिए एक साथ आए हैं। क्या? हाँ तो हम लोग भी तो एक साथ आए हैं, लेकिन काम तो सिर्फ तू और मैं ही करते रहे। अच्छा मनोज सर, सर मेरा आपसे एक पेंगुइन सवाल था। पेंगुइन नहीं, जेन्युइन सवाल होता है। नहीं नहीं, मेरा पेंगुइन का ही सवाल था जो कि बहुत जेन्युइन है। क्या सवाल है? मैं जेन्युइनली भूल गई यार, लेकिन मैं मैन्युअली लिख के लाई ली। हाँ वो ये है सर कि आप पाव भाजी खाते हैं कि पावा भाजी खाते हैं? तेरे को पता है कप्पू, एक बहुत अच्छी बात है कि कभी खुशी कभी गम में अमित जी की जगह ये नहीं है। क्यों? वरना ये शावा शावा नहीं, वहां भी पावा पावा कर रहे हैं। खैर वैसे मैंने आप लोगों के लिए मसाज बनाई ली है। अच्छा। मेरा पार्लर है इधर, तो हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है। तो सर आपने एक बहुत बड़े शो में काम किया था, ऑफिस ऑफिस, तो हमारे पास ऑफिस ऑफिस मसाज है। अरे वो क्या? इसमें क्या करते हैं, हम कस्टमर को तेल लगाते हैं और उसके हाथ में आटा दे देते, फिर उसको नदी किनारे बिठा देते, तो वो आटा पानी में डालता है और बोलता है ऑफिस 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 ऑफिस। ऐसे रहते हैं। फिर मनोज जी ने वो मस्त पिक्चर में काम किया था आलू चाट में, तो हमारे पास आलू चाट मसाज है। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, हम कस्टमर को तेल लगाते हैं और उसको बेड पे लेटाते, फिर उसके सामने एक आलू रख देते। हाँ, फिर आलू बोलती होगी तुम आलू खाओ और साथ में मसाज करती होगी। अरे नहीं नहीं, उसको बोलते पहले आलू काट, फिर आलू छाट, फिर आलू बांट, एंड देन हैव आलू चाट। ऐसा रहता है, नहीं रहता है। ये मेरे करियर का आज तक का सबसे लंबा मसाज का सर। फिर आपका रिप्लेसमेंट।
ये साजिश कर रही है ये। अरे इनको बुलाया करना, खाले फुकट काय को फ्री में बिठाया उनको, इनको पैसा भी देंगे हम लोग। फिर मेरे जाने मजा आया। खैर मैम मेरे जाने का टाइम आ गया। बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग आते ना, परेश रावल जी आए थे, उनका मैसेज क्या है ना, वो अपना रावल छोड़ के चले गए। हाँ और मेरा चावल लेके चले गए साथ। अभी मेरे को भूख लग रही है, मैं चावल कैसे बनाएगी? क्या उन्होंने मेरा चावल बना दिया तो मैं उनके रावल का क्या करेगी? मैं जा रही हूँ, चल। एक बार जोरदार तालियां हो जाए पूरी स्टार कास्ट के लिए। आइए सर। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आए। बड़ा मजा आया आप लोगों से बातें करके और पुरानी यादें ताजा हो गई, बहुत ही मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्चना। और दोस्तों आप सब भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें। गुड नाइट, शुभ ख्याल। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।